हेलो फ्रेंड, मैं फातिमा रंगदेज। आज मैं आपके लिए गुजरात की सबसे फेमस स्ट्रीट फूड दाबेली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमने दो बड़े आलू को हमने बॉईल कर लिया है। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून हमने ये बारीक सेव लिए। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून टैमरिंड की चटनी ली है। ये हमने 1 कप मूँगफली के दाने को भून कर उनको स्किन को रिमूव कर दिया है। ये हमने 1 मीडियम चॉप एंड 2 ग्रीन चिली ऐड करिए। ये हमने 1 टमाटो चॉप करा है। ये हम दाबेली का मसाला बनाने के लिए हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 3 से 4 रेड चिली, 1 सीमन स्टिक, 1 टेबल स्पून हमने कोरिएंडर सीड्स और 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। 2 से 3 हमने क्लो लिए हैं और 5 से 6 हमने ब्लैक पेपर लिया। अब हम इसको सबसे पहले हम दाबेली मसाले को हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने हमारा मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इस तरह से लगेगा। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले तेल गरम करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने बारीक ऑनियन कट किया था, ग्रीन चिली, वो ऐड करेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनने देते हैं कि थोड़ा प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। हम इसको 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा जीरा गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने के लिए, तक हमारा जीरा गार्लिक पेस्ट का थोड़ा स्मेल भी हो जाए। देखिए फ्रेंड, ये हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करें, क्योंकि हमने मसाले के अंदर भी लाल मिर्ची ली है और यहाँ पर भी ग्रीन चिली है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप रेड चिली और ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने जो हमारा ऑनियन टमाटर चॉप किया था, हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने 1/2 टेबल स्पून अंदर उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसे जब तक भून पकाएंगे, जब तक थोड़ा हमारा टमाटर थोड़ा गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारे टमाटर थोड़ा गल गए। अब हमने इसके अंदर ड्राई मसाला लिया था, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे 1-2 मिनट और अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हमने जो आलू बॉईल किए थे, हमने इसको मैश कर लिया। अब हम आलू ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप नमक चख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्ची कुछ भी कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। अगर जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर मिर्ची ऐड कर सकते हैं। जो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप नॉर्मली रहने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। सॉरी फ्रेंड, हम आपको ये पाव बताना भूल गए थे, इसलिए हमने 8 पाव लिए हैं। अब हम इसके अंदर, इस पाव के अंदर फिलिंग करेंगे। हम इसको ऐसे बीच में से आधा कट करेंगे। अब हमने जो यहाँ इमली की चटनी बनाई है वो हम यहाँ पर चटनी लगाएंगे। हम दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी चटनी लगाएंगे। अब जो हमने फिलिंग ली है, अभी जो हमने मसाले जो फिलिंग बनाई है, वो हम यहाँ पर फिलिंग लगाएंगे। मूँगफली के दाने जो रोस्ट किए थे, हम वो मूँगफली के दाने इसके अंदर लगाएंगे। अब जो हमने ये सेहूँ ली थी, अब वो सेहूँ हम इसके अंदर लगाएंगे।
जो हमने जो टैमरिंड की चटनी ली थी वो हम चटनी इसके अंदर लगाएंगे, ऊपर से थोड़ी सी हम और डालेंगे। अब हम इसको तवे पर फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हम इसको इस तरह से रोस्ट करके इसके आसपास भी हम थोड़ा सेव को लगा देंगे। अब हम इसको एक मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर अमूल का बटर लिया है, वो अब हम इसके अंदर ऊपर थोड़ा सा फ्राई करने के अंदर यूज़ करेंगे। हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अब दोनों साइड से इसको अच्छा कड़क फ्राई करिए। ये देखिए फ्रेंड ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बॉल में सर्व करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा सेम से। ये देखिए फ्रेंड हम इसे ऊपर से थोड़ा सा सेम से और थोड़ा सा जो हमने पीनट रोस्ट किया था हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी दाबेली तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड हमारी दाबेली रेडी है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू।